हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ माधव की रसोई में। सबको राधे राधे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की एक ऐसी यूनिक सी रेसिपी जो आप आसानी से बना सकते हो घर पर और बहुत ही सर्दियों में खा सकते हो। ऐसी एक मिठाई है, तो चलो फ्रेंड्स बनाते हैं अपनी मिठाई। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ये देखो हमारे पास है 1/2 किलो बेसन और ये हमारे पास है घी। तो चलो फ्रेंड्स बनाते हैं। इसके ऊपर रखते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में अब हम चलाएंगे कढ़ाई को। ये हमने कढ़ाई रखी है और ये देखो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये घी। इसमें हम ये घी डालेंगे, पहले हम इतना घी डालेंगे और इसको अच्छे से ये देखो फ्रेंड्स हमारा घी हो गया गरम। अब हम घी गरम करने के बाद में अब हम डालेंगे इसमें बेसन। बेसन को हम छान लेंगे, गैस को करेंगे कम। हमेशा गैस बेसन को छान के लेना चाहिए। इसमें हमने बेसन को छान लिया। हमने बेसन को छान लिया है और अब हम इसको चलाएंगे। गैस को बिल्कुल कम रखेंगे। ये देखो फ्रेंड्स हमने इसमें जो घी डाला था ना वो बिल्कुल इसमें सूख गया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी हम इसमें और डालेंगे 1 चम्मच से। इसमें घी हम 1 चम्मच और डालेंगे। और इसको फिर चलाएंगे। गैस को बिल्कुल स्लो रखना है, इसको बड़ा पेशेंस के साथ इसको भूनना है जो बेसन है। और इसको भूनना है अच्छे से। लो फ्रेंड्स ये देखो अब हमारा जो बेसन है ये हमारा भून के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और इसमें, जैसे आप इसको अगर थोड़ी सी ज़्यादा गैस को चला के रखेंगे ना तो ये जल जाएगा। अगर बिल्कुल सिम गैस को इसको भूनोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका बेसन बहुत अच्छे से भून के तैयार होगा। और इसमें 1/2 किलो बेसन है, 150 ग्राम घी है। तो ये देखो घी भी इसके ऊपर आ रहा है। जब हमारा ये बेसन पकता है तो इसकी ये पहचान है कि इसका घी ऊपर आ जाता है। पहले सूखा सूखा लगेगा, जैसे जैसे ये पकने लगेगा वैसे वैसे इसका घी बाहर आने लगेगा। तो ये लड्डुओं की पहचान है। तो बहुत टेस्टी और जल्दी बन जाते हैं, थोड़ा
ये देखो फ्रेंड्स, अब हमारा जो बेसन है ये भून चुका है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, ये हमारे पास है थोड़ी सी मेवा, इसमें काजू है, थोड़े बादाम है मैंने कट करके रखे हुए हैं, तो इनको मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा और इसे भूनूंगी, उसके बाद में मैं इसको इस मेवा में डालूंगी। बिल्कुल परफेक्ट भून के हमारा बेसन तैयार हुआ है। ये देखो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखो फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे इसके अंदर ये मेवा गर्म में और इसको अच्छे से चला देंगे। गैस को कर देंगे बंद, गैस को हम लोग बंद करते हैं और अब इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो गर्म है, तो इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमारा नीचे से लाल हो जाएगा और ऊपर से ऐसा ही रहेगा, तो इसलिए इसको हम चलाएंगे अभी जब तक ये ठंडी होगी, जब तक इसको चलाते रहेंगे। और इसको हम ठंडा करने के बाद में इसमें मीठा मिलाएंगे। लो फ्रेंड्स, अभी हमारा ठंडा हो चुका है बेसन। ये देखो बिल्कुल इसके अंदर इतना ठंडा होगा कि हम इस पे हाथ लगाएंगे तो ये सही रहेगा। और अब हम इसमें डालेंगे ये 150 ग्राम जो अपना बूरा होता है ना, वो बूरा मैं डाल दूंगी इसमें। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार जितना आप खाना चाहते हैं मीठा उतना ही डाल सकते हैं। 150 ग्राम घी है तो मैंने 150 ग्राम इसमें बूरा डाला है। आधा किलो बेसन है तो ये देखो इसके अंदर ये मैंने मिक्स कर दिया। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। अब मैं इसको निकाल दूंगी और अपने हाथों से ही इसको मिक्स करूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, इसको हाथों से ही मिलाऊंगी और मैं इसके बनाऊंगी स्वादिष्ट लड्डू। ये देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, और ये लड्डू हमारे बनके तैयार होंगे। ये देखो फ्रेंड्स मिल गया, इसमें अच्छे से मिला लिया मैंने। अब हम बनाते हैं इसके लड्डू। तो चलो फ्रेंड्स बनाते हैं अपने स्वादिष्ट लड्डू, सर्दियों में खाए जाने वाले बेसन के लड्डू। इसको आप घर में आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। बस बेसन को पेशेंस के साथ भूनना है। पहले घी थोड़ा डालेंगे, उसके बाद में थोड़ा घी और डालेंगे, उसके बाद जब ये पकता है तो ये घी अपने आप ही छोड़ देता है, तो इसके लिए आप घी ज़्यादा ना डालें तो आपके लड्डू बिल्कुल अच्छे बनेंगे। अगर आपका नाप सही है तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से बन के तैयार होती हैं उसके। ये देखो फ्रेंड्स इतने हमारे ये लड्डू देखो। ये देखो फ्रेंड्स हमारे बेसन के लड्डू बनके एकदम तैयार हैं। ये देखो कितने सुंदर बनके तैयार हैं। मैं आपको फोड़ के भी दिखाती हूँ इसको, लड्डुओं को। ये देखो फ्रेंड्स अंदर से भी एकदम अच्छे से बनके तैयार हुए हैं। आप भी अपने घर पे ऐसे बाजार जैसे लड्डू आप बना सकते हो बिना किसी मिलावट के, और बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।